नमस्ते सलाम वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो आज क्या कर रहे हैं आप, बैठे बैठे क्या करें? तो चलिए देख लीजिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और जान लीजिए क्या कुछ चल रहा है बी टाउन में। जैसे कि बिग बॉस ओटीटी 3 देखने के लिए आप देने होंगे पैसे, और रणवीर कपूर की रामायण में एंट्री हुई क्यारा की। जी हाँ, आया ना इंटरेस्ट। तो बस बैठे रहिए और जानिए मोर गॉसिप्स इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। बिग बॉस ओटीटी 3 को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कभी इसको लेकर बोला जा रहा है कि नया सीजन इस साल नहीं आएगा, तो अब नए अपडेट की माने तो बिग बॉस ओटीटी सीजन फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक रिपोर्ट की माने तो नया सीजन जून के पहले हफ्ते में प्रसारित होगा। हालांकि नए रिपोर्ट से पता चला है कि बिग बॉस ओटीटी 3 का सीजन स्ट्रीम करने के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। जी हाँ, ये मुफ्त में नहीं होगा। जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने वाला बिग बॉस ओटीटी 3 इस साल फ्री में नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर लोगों को रियलिटी शो का नया सीजन देखना है तो उन्हें एक प्लान लेना होगा। नितेश तिवारी की रामायण को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता देखने को अभी से मिल रही है। तो इसी बीच खबरें ये आई है कि अब इस फिल्म में क्यारा भी दिखने वाली है सीता के किरदार में। जी हाँ, पर आप जिस क्यारा को सोच रहे हैं वो नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पांड्या स्टोर वाली क्यारा साध की। जी, टीवी की मशहूर चाइल्ड एक्ट्रेस क्यारा साध का नाम रणवीर कपूर की रामायण में छोटी सीता के लिए फाइनल किया गया है। हालांकि इस खबर पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, पर खबरों का बाजार तो गर्म है। वैसे क्यारा साध ने अब तक कई एड फिल्म्स किए, साथ ही सोनी लिप पर स्ट्रीम हुई सीरीज राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी में छोटी अनुष्का यानी जेनिफर विंगेट का रोल भी प्ले किया था। साल 2016 में प्रीति जिंटा लॉस एंजलिस चली गई। अमेरिकन बिजनेसमैन जीन गुड इनफ से शादी करने के बाद वो विदेश शिफ्ट हो गई थी। तो अब उनके फैंस के लिए गुड न्यूज है, वो कम बैक कर रही हैं। फिल्म का नाम लाहौर 1947 है और प्रीति ने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है। 90s की डिंपल गर्ल प्रीति पिछले कई महीनों से मुंबई में ही थी। उन्हें जिम करते हुए भी देखा गया था, तभी से ही अंदाजा लगने लगा था कि वो जल्द ही कम बैक करेंगी। अब उन्होंने लाहौर 1947 फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और सेट से राजकुमार संतोषी के साथ पहली फोटो भी शेयर की है। और जैसे ही प्रीति ने यह खबर सुनाई, फैंस खुशी से झूम उठे, क्योंकि वो लंबे समय से प्रीति को बड़े पर्दे पर मिस कर रहे हैं। आपको बता दें, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बन रही फिल्म लाहौर 1947 में प्रीति के साथ एक बार फिर सनी देओल भी दिखेंगे। पठान, जवान और डंकी के बाद अब शाहरुख खान एक नए प्रोजेक्ट में बिजी हैं। वो अब अपनी बेटी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म किंग में बाप बेटी की जोड़ी दिखने वाली है। तो अब इस फिल्म में शाहरुख का क्या होगा रोल, इस पर से भी पर्दा उठ चुका है। खबरों की माने तो सुजय घोष के निर्देशन में बन रही किंग फिल्म में शाहरुख खान एक डॉन की भूमिका निभाएंगे और किरदार में कुछ ग्रे शेड्स भी होंगे। किंग उनके दिल के बेहद करीब है और वो इस पर जी जान के साथ काम कर रहे हैं। वो सिद्धार्थ आनंद और सुजय घोष के साथ प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं पर अपना 100% दे रहे हैं। उन्होंने फिल्म में एसआरके के लिए ग्रे शेड्स के साथ एटीट्यूड और स्वैग से भरा एक बहुत अच्छा किरदार तैयार किया है। किंग एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो गुरु और शिष्य की जर्नी को दिखाएगी। और बॉलीवुड के शानदार एक्टर विकी कौशल अपनी कमाल की फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब विकी कौशल की एक फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दरअसल सामने आई इस फोटो में एक्टर जटाधारी शख्स के अवतार में नजर आ रहे हैं। उन्हें जंगल में घूमते देखा जा सकता है। ये फोटो कहाँ की और किस वजह से एक्टर इस लुक में नजर आ रहे हैं, ये आपको बताते हैं। ये विकी कौशल की आने वाली ऐतिहासिक ड्रामा छावा द ग्रेट वॉरियर का लुक है। ये फिल्म लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित होगी। इस फिल्म में एक्टर छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म से जुड़ी खबरों ने काफी समय से फैंस का उत्साह बढ़ा रखा है। इसी बीच छावा के सेट से एक्टर का लुक भी लीक होते ही वायरल हो गया है। फिलहाल के लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।